अब बीजेपी धीरे धीरे दक्षिण में अपने पैर पसारने की पूरी तैयारी कर रही है। अब केरल में विधानसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी पूरी जद्दोजहद से वहां सरकार बनाने में लगी हुई है। ऐसे में भाजपा के पास एक ऐसा भरोसेमंद चेहरा नहीं था जिसे वो केरल में मुख्यमंत्री चुनाव में खड़ा कर सके। पर बीते दिनों से एक नाम लगातार इस गद्दी के लिए लिया जा रहा है और वो नाम है मेट्रोमैन ई श्रीधरन। दरअसल ई श्रीधरन भारत के प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर है। उन्होंने कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो का निर्माण कर भारत में जन यातायात को बदल दिया। भारतीय रेलवे में आधुनिक और व्यवहारिक बदलाव लाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। उनके महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। मेट्रोमैन ई श्रीधरन के भाजपा में शामिल होने की औपचारिकता भर बाकी है। गुरुवार को इसकी पुष्टि करने के बाद मेट्रोमैन ने शुक्रवार को ये भी इच्छा जता दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो वो मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। हालांकि भाजपा की ओर से अभी ये साफ नहीं हुआ है कि क्या पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश करेगी। माना जा रहा है कि 88 वर्षीय इंजीनियर 21 फरवरी को पार्टी की विजय यात्रा के दौरान भाजपा में शामिल होंगे। आज की हमारी इस खबर में इतना ही। अब मैं प्रेरणा आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल इंडियन न्यूज़ नेशनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।